मैं यूसर के स्टूडियो में अशोक कटारिया जी का बहुत स्वागत करता हूं सर, आपका बहुत स्वागत है। और यूसर जैसा आप जानते हैं कि ये राज्य का शिक्षा से जुड़ा हुआ और विज्ञान शिक्षा से जुड़ा हुआ और रिसर्च का एक सेंटर है जी। और ये करीब राज्य में पूरे ब्लॉक्स में और डिस्ट्रिक्ट्स में इसमें हमारे साथ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से लोग जुड़े हुए हैं, क्योंकि आप साइबर सिक्योरिटी के एक्सपर्ट हैं और देश में आपका नाम है। मैं आपसे एक तो साइबर सिक्योरिटी के बारे में जानना चाहता हूं, और जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, रिसर्चर्स हैं, और जो पूरे के पूरे हमसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लोग जुड़े हुए हैं, कि हम उनको सामान्य सी भाषा में कैसे बता सकते हैं कि साइबर सिक्योरिटी कितनी महत्वपूर्ण है, इसके बारे में आप जी बताइए। डॉक्टर साहब, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ बुलाने के लिए, और मेरे लिए ये बहुत सौभाग्य की बात है मैं इतने स्टूडेंट से जुड़ सकूँगा, और ख़ासकर सुदूर इलाके के स्टूडेंट से। दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर साहब ने सवाल पूछा है कि व्हाट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ साइबर सिक्योरिटी। तो बच्चों, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये साइबर सिक्योरिटी हम जब बोलते हैं तो ये है क्या। आप इसको ऐसे समझिए कि कन्वेंशनल लड़ाइयाँ जो हैं आज तक, विश्व युद्ध ले लीजिए, मुगलों के समय से ले लीजिए और जितना भी पीछे चले जाइए, वो लड़ाइयाँ आपकी या तो ज़मीन पे लड़ी गई हैं या आसमान से लड़ी गई हैं, एयर पावर जिसको बोलते हैं। और बहुत सारी लड़ाइयाँ जो इंग्लैंड को, जिसको बोला जाता था कि ये नेवी इनकी बड़ी स्ट्रांग है, समुद्र से लड़ाइयाँ बहुत लड़ी गई हैं। अब जब से ये टेक्नोलॉजिकल हमारे इम्प्रूवमेंट होने शुरू हुए हैं विद द एडवेंट ऑफ कंप्यूटर्स, इसमें एक और डायमेंशन जुड़ गई है लड़ाई में, वो है साइबर वॉरफेयर की। इसको मैं और थोड़ा सा एलैबोरेट इस फॉर्म में कर दूं कि आज की तारीख में हम सब कनेक्टेड हैं, हमारी सब डिवाइसेस कनेक्टेड हैं, हर आदमी कनेक्टेड है जीपीएस के थ्रू, हैंडहेल्ड डिवाइसेस के थ्रू, कंप्यूटर के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू। द वेरी लार्ज डायमेंशंस, आप ये देख लीजिए कि आपको मैन पावर सेविंग के लिए, एफर्ट सेविंग के लिए, सबसे छोटा एग्जांपल मैं दूंगा इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड और टेलीकम्युनिकेशन लैंडलाइन डिपार्टमेंट। पुराने जमाने में आदमी मीटर रीडिंग लेने जाया करता था, मैन पावर लगेगी, एफर्ट लगेगा, प्लस उसमें और भी दूसरी उसको घुमाने फिराने के चांसेस हैं। टेक्नोलॉजी के आने के हिसाब से अब आपको मीटर, ऑल योर एनर्जी मीटर्स आर ऑनलाइन, आप सेंट्रल कंट्रोल रूम से आप उनको मॉनिटर कर सकते हैं, आपका एफर्ट बचता है, एक्यूरेसी आती है, करप्शन के चांसेस कम होते हैं। पर साथ ही साथ उसमें एक चीज़ और आ जाती है, वो है वल्नरेबिलिटी इन सॉफ्टवेयर्स। जो हम जो भी सॉफ्टवेयर बनाते हैं उसमें कहीं ना कहीं आज तक कोई सॉफ्टवेयर ऐसी बनी नहीं है जो पूर्णतया जो कि वीकनेस फ्री हो, तो कहीं ना कहीं सॉफ्टवेयर में कमियाँ छूट जाती हैं। वो ऐसा होता है कि जब सॉफ्टवेयर डेवलपर जब डेवलप कर रहा होता है, उसके हमेशा उसके ऊपर काम का प्रेशर रहता है, वो कहीं ना कहीं शॉर्टकट मारता है, कहीं ना कहीं वो बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो नहीं करते हैं, तो उसके चलते उसमें कुछ कमियां छूट जाती हैं। वो कमियां जो डेडिकेटेड अटैकर्स हैं, हैकर्स जिनको हम बोलते हैं, वो उनको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। और ये दुनिया के तमाम सिस्टम्स में हो सकता है, चाहे वो सिस्टम आपके न्यूक्लियर रिएक्टर मॉनिटरिंग के प्रोग्राम हो और या फिर हॉस्पिटल के सिस्टम हो। बिल्कुल आपने सही दिया, जो रैनसमवेयर का जो अटैक हुआ है अभी, वो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड उसमें हेल्थ सिस्टम वाले हैं, एटीएम मशीन हो सकता है अगला टारगेट हो। तो जो कमियां सॉफ्टवेयर में रह जाती हैं उनको एक्सप्लॉइट करते हैं हैकर्स लोग, और वो जब तक मिटिगेट नहीं होती है तब तक ये प्रॉब्लम्स आती रहेंगी। तो मोटे मोटे शब्दों में ये हम साइबर सिक्योरिटी को, जहाँ साइबर है जी, तो सिक्योरिटी की प्रॉब्लम आएगी। कहते हैं ना कि ईश्वर सर देता है तो सर दर्द भी देता है, अब दर्द देगा तो दर्द के निवारण की दवाई भी बनानी पड़ेगी, और ये हम जो काम कर रहे हैं वो सर दर्द निवारण के काम जी। क्योंकि साइबर की दुनिया है, डिजिटल वर्ल्ड है, तो हमारे पास काउंटर मेजर्स, अगर अटैक है तो काउंटर मेजर्स जी होने चाहिए, और जिसके आप एक्सपर्ट हैं। सर, मैं ये जानना चाहता हूँ, आजकल पूरी की पूरी दुनिया में हम बात कर रहे हैं जी रैनसमवेयर, हमने
वायरसेस के बारे में हम लोग जानते हैं, बॉम्ब्स के बारे में जानते हैं जी, ट्रोजन हॉर्स के बारे में जानते हैं, नंबर ऑफ जितने हैं, लेकिन रैंसम वेयर एक कुछ नया रैंसम तो पता था, कोई रैंसम वेयर के बारे में बताइए, और ख़ास तौर से जो पूरी दुनिया इससे प्रभावित हुई जी, ख़ास तौर से जिनको हम प्रोप्राइटरी विंडोज वगैरह में कह रहे हैं, कुछ इसके बारे में बताइए जिससे हम सब लोगों को इस पर कुछ जी इंसाइट हो। बहुत ही वैलिड सवाल है आज के परिप्रेक्ष्य में। इसको हम थोड़ा सा ऐसे समझें कि ransomware is a malware. A software returned with malified intention is a malware. True. Yeah. Ransomware is a malware. Yeah. इसका काम जो है वो कोई सीधा सीधा काम करने वाला नहीं है, कोई सॉफ्टवेयर से जैसे आप ATM से पैसे निकालते हैं, इसका जो पर्पस है वो malicious है, वो लोगों को हार्म करना है। तो malicious, इसका संधि विच्छेद अगर करें, malware, malicious, software is malware. अब malware हम जान चुके हैं, वायरस आप अचानक से देखेंगे, आपका माउस जो है सिंगल क्लिक में डबल क्लिक चल गया, या बहुत सारे फोल्डर्स बनते चले गए, वो वायरस का एक समझ लीजिए। मैलवेयर है वो आपकी डायरेक्टरी से उठाएगा, आपकी एड्रेस बुक से, और सबको मेल करना शुरू कर देगा, वो सेल्फ प्रोपोगेटिंग वर्म हो गया। इस तरह के और भी आपने नाम लिए। तो रैंसमवेयर इस तरह का एक सॉफ्टवेयर है। इससे पहले मैं एक थोड़ी सी चीज़ कवर कर दूँ, अमेरिका की एक एजेंसी है NSA, नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी, उनका काम सभी सॉफ्टवेयर को एनालाइज करना, उनकी कमियां ढूंढना। दुनिया में सबसे पहले कमियां वो चाहते हैं कि हमारे पास ऐसी कमियां रहें कि दुनिया में पता ना चले, हमको पता चले, NSA को पता चले, NSA को पता चले। एंड दोस वल्नरेबिलिटीज यू डोंट बी सरप्राइज वर नॉट नोन टू इवन माइक्रोसॉफ्ट, बट दोस वल्नरेबिलिटीज वर नोन टू NSA. Those vulnerabilities are called zero-day attacks. Hackers यही करते हैं. They try to find out, analyze the code. They find out कि उसमें कौन सी vulnerabilities हैं जो दुनिया को पता नहीं है. NSA को पता है. NSA को पता है. जो malicious hackers हैं उनको पता है. और फिर वो उसका एक malware उसके exploit करने के लिए उस कमी को, उस vulnerability को ये लोग एक exploit बनाते हैं उसका. Correct. अब इस एक्सप्लॉइट को NSA को पता था, ये जो जीरो डे अटैक हुआ है, ये WannaCry, WannaCrypt, ये जो रैंसमवेयर अटैक हुआ है, दिस वल्नरेबिलिटी वाज नोन टू नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी ऑफ अमेरिका। अच्छा जी, ये बड़ी बात है जो जी बच्चों को जानना बहुत जरूरी है कि मतलब बहुत सारी एजेंसी काम करती रहती है इसमें। जब हम सिक्योरिटी की बात करते हैं, जैसे कि मैंने पहले कहा, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स एंड नाउ दिस इज साइबर, तो इसमें उनको सारी कमियां पता थी इसकी। अब ये अंदर से ही इनसाइडर थ्रेट, घर का भेदी लंका ढाए किसी ने, ये वहां से लीक आउट हो गई वल्नरेबिलिटी, माइक्रोसॉफ्ट को पता नहीं, तो उन्होंने इसका एक पेलोड बनाया, और जिस जिस भी कंप्यूटर में ये पैचेस नहीं थे वहां ये वायरस प्रोपोगेट हो गया। माय गॉड, वर्ल्ड ओवर, और वर्ल्ड ओवर 150 कंट्रीज, इफ यू सी ऑन द वर्ल्ड मैप 150 कंट्रीज आर अफेक्टेड। नाउ द मोस्ट अफेक्टेड कंट्री सिस्टम्स आर द नेशनल हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम। हिंदुस्तान में हम देखते हैं कि भाई हॉस्पिटल में जाइए तो केस शीट बनाते हैं डॉक्टर, मैनुअल फाइल बनती है पेशेंट की, बट यूरोपियन कंट्रीज एंड अमेरिका में सब जगह आपके डिजिटल सिस्टम बनी हुई है, बनी उनका ऑनलाइन रिकॉर्ड होता है, ऑल दोज रिकॉर्ड्स। अच्छा, रैंसमवेयर पूछा था आपने, रैंसमवेयर करता क्या है? रैंसमवेयर वल्नरेबिलिटी आपके सिस्टम में आ गया, किसी मेल के थ्रू या कोई अटैचमेंट के थ्रू, अननोन मेल के थ्रू आपके सिस्टम में आ गया, फाइल एग्जीक्यूट हो गई, तो ये आपका सारा डेटा ड्राइव जो है उनको इनक्रिप्ट कर देता है, ठीक है, और आपको एक मैसेज लिखा हुआ आएगा कि आपका सिस्टम जो है वो इनक्रिप्ट हो चुका है, आपके पास 4 दिन का समय है, आप हमें बिटकॉइंस के थ्रू, आप हमें बिटकॉइंस के थ्रू, बिटकॉइन के थ्रू बाद में चर्चा करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल, बिटकॉइंस के थ्रू आप हमें 5 equivalent to $300 आप मुझे ये अकाउंट नंबर दे दिया बिटकॉइन का, आप इसमें इतने बिटकॉइन हमको ट्रांसफर करें। उसमें कोई गारंटी नहीं है डॉक्टर साहब कि आपका जो डेटा रिट्रीव हो जाएगा उसमें,
और जैसे ही ये टाइम बढ़ेगा जो उन्होंने टाइम दिया है 48 आवर्स का, उसके बाद ये रैंसम की अमाउंट जो है ये डबल ट्रिपल फोर टाइम्स ऐसे बढ़ती चली जाएगी। और ये इतना जल्दी होता है आपका कि इसको डिक्रिप्ट कर पाना, इसका पैच डूब बना लेना, और क्योंकि everybody has been caught off guard. Yes, completely. True. तो अब लोगों के पास जिनका डाटा इंपॉर्टेंट डाटा, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, वो पैसे दें, वो वेट करें कि हमको कुछ उसका पैच भेजेंगे तो डिक्रिप्ट हो जाएगा डाटा, अदरवाइज इसका कोई ऑप्शन नहीं है कि आपको पूरा कंप्यूटर आपको फॉर्मेट करना पड़ेगा। That's deadly. That's very, very deadly. 150 countries, if you see the world map, the worst affected is Britain, then America, Russia, number of systems, including telecom systems. You see, जैसे आपने कहा, सॉरी, आपने कहा कि जो खास तौर से हेल्थ केयर इंफॉर्मेशन सिस्टम है वो सबसे ज्यादा अफेक्टेड है जी, इज देयर एनी स्पेसिफिक रीजन फॉर दिस कि ये हेल्थ केयर पे या हेल्थ इंफॉर्मेटिक्स पे जी अगर ये हिट हो रहा है जी, क्योंकि वो ट्रांसपोर्ट पे भी हो सकता था, वो क्रिटिकल और एप्लीकेशंस हैं उस पे भी, लेकिन मेजॉरिटी अगर इस पे हो रहा है, बहुत ही उम्दा सवाल है डॉक्टर साहब आपका। इसमें क्या है कि आप इसको ऐसे समझें कि पेशेंट जिसको कि आपने हॉस्पिटल में एडमिट करना है उसकी जिंदगी और मौत का सवाल है, राइट? तो मोस्ट क्रिटिकल, बिल्कुल, ये समझ लीजिए आपके किसी ने गन पॉइंट कान पे आपके बंदूक रख दी और अब आपको बोल रहा है कि आपको पैसे देने ही हैं, टेलीकॉम सिस्टम में आपका बैकअप डेटा है, आप उसको वहां से रिस्टोर कर सकते हैं, थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाएगा चलेगा, बट यहाँ पे मोस्ट क्रिटिकल है हेल्थ केयर डेटा, इसमें लीक आउट होना अपने आप में एक बहुत बड़ी कंप्रोमाइज ऑफ विद द डेटा है, सेकंड इसमें आदमी के जिंदगी मौत का सवाल है। तो यहाँ पे जो डेटा जिसके पास, एनीबॉडी हु इज ओनिंग दिस डेटा, ही विल नॉट माइंड पेइंग, दैट्स व्हाई ह्यूज अमाउंट, ह्यूज स्टेक्स इज नॉट ह्यूज, और हम देख रहे हैं कि ये कितना, जिसको हम कहते हैं कि पहले तो जैसे आपने कहा कि गन पॉइंट पे कोई चीज करा ली जाती थी या करते रहे हैं और रैंसम उसके लिए ले रहे हैं, यहाँ ये साइबर रैंसम है, रैंसम ये गन पॉइंट ही है, गन पॉइंट है जी, और उसको किया जा रहा है, और कितना महत्वपूर्ण ये एक नया आयाम निकला है जी। तो इसको किस तरह से चेक किया जाए, हम चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मैं आपसे, क्योंकि ये रैंसम वेयर आपने बताया और इतना मैसिव थ्रेट है जी, ये हमारे देश के परिप्रेक्ष्य में विद रेफरेंस टू उत्तराखंड और कंट्री और डिजिटल इंडिया जी, में ये रैंसमवेयर का आप किस तरह से इसका इम्पैक्ट देख रहे हैं? सर, सबसे पहले तो आपके जो एफर्ट हैं इसमें, आई नो दैट यू आर अहेड ऑफ, वेल बिफोर द डिजिटल इंडिया केम, योर एफर्ट इन दिस डायरेक्शन उत्तराखंड इज वे अहेड बिकॉज आपका जो एफर्ट था टेक्नोलॉजी इनेबल्ड एजुकेशन, इट वॉज बिफोर एनीबडी थॉट अबाउट इट। सो कमिंग बैक टू द मेन टॉपिक, डिजिटल इंडिया टूडे, नाउ इफ यू सी योर मोबाइल, योर स्मार्टफोन इज योर लाइफ लाइन, इट हैज गॉट योर मेल अकाउंट, ऑल योर मेल्स आर देयर, इट हैज गॉट योर बैंक अकाउंट, इट हैज गॉट योर आधार लिंक, एवरीथिंग, it is your lifeline, yes, passport to this, to security, if you have seen the movie called Lost Identity, yeah. It can happen to people here, that is the threat, but with every threat there are opportunities, only thing we need not worry about, yes, this attack has happened, it has happened, there has to be a appreciation of the problem, whole problem at the national level, apex level. Yes, now we are moving towards digital India. Everything is going to be digital. सब कुछ चीज़ आपका मोबाइल पे आने वाला है या डिजिटल फॉर्म में आने वाला है। और वो नहीं है, unstoppable. It is the idea. You cannot stop an idea once time has come. Yes. That's what English proverb is. इसमें हमको खाली अब ये देखना है कि इंस्टेड ऑफ बीइंग रिएक्टिव कि अब ये हो गया अब क्या करें, अब ये हो गया अब क्या करें, लेट्स बी नाउ प्रोएक्टिव, दैट शुड बी आवर अप्रोच, देयर आर इनॉर्मस अपॉर्चुनिटीज फॉर डेवलपर्स,
for cyber security. In fact, India can become the cyber security professional provider to the world, and yes, especially the Uttarakhand, the kind of initiatives we are having here. Huge opportunities. Yes, sir. Yeah, big opportunities. And at development level, we can sensitize developers, people, the students, since it is a study hub, Dehradun and Uttarakhand, we can sensitize developers that whatever software you're developing, there have to be best practices. And on that, any security framework is made. So the beginning can be made from there. And mass awareness program that everybody is using a mobile phone, let's not have a pirated software, stop piracy, use your mail very, you know, prudently, absolutely. Otherwise, mail, attachment, click, download, install, this will keep on happening and this will propagate. And let me caution you, sir, this is one, not one-off attacks. There's going to be repetition. Yes. People will forget about ransomware after some time. Something new will come. And this is going to be an ongoing process. Sir, ye bataiye isme educational institutions. Ji. Researchers. Ji. They have a huge role to play. They got to understand ultimately the whole concept. Absolutely. And countermeasures again, awareness, sensitization, and educational institutions, they do play the major role. आपका क्या मैसेज है स्पेशली जो रिसर्चर्स हैं, जो खासतौर से इसलिए कि क्या उनको कई चीज़ों के बारे में कि प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर्स और इस तरह के, आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में आप क्या उनको मैसेज देना चाहते हैं विद रिगार्ड टू साइबर सिक्योरिटी? सर, माय फर्स्ट मैसेज टू द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इज वी बाय लॉट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, furniture to this, to the everything equipment. Equipment, but we want to save it on software. If you want to use Microsoft software, proprietary software, Microsoft is one of the suppliers. Yes. You want to use any proprietary software, best is pay for it. Take a support for this and they automatically give. It is to be patched time to time. It's to be taken care of. If you don't want to spend on operating system, the Linux is a very open source platform. It is a good opportunity available. Students must learn open source and customization of open source. India till date does not have its own operating system. Bharat operating system we started with, but we started with BOS and still we are not able to BOS over it. Yes, lagging behind. Yes, we some things we'll have to accept. This these things we are lacking, but the huge opportunity is available in terms of open source. So we can, hum log apna ek operating system bana sakte hain jiske ke internals humko pata hai, jisko hum apne hisab se customize kar sakte hain. Ye hai. Dusra, aapko internal jab bhi LAN mein logo ko sensitize karne batana hoga ke jo pen drives और मेमोरी डिवाइसेस जो हम यूज करते हैं, दोज कैन बी सप्लाइड टू यू विद अ प्री इंस्टॉल्ड बग इन इट, सो दैट कैन प्ले हैवॉक. दैट कैन, यस. यूसेज ऑफ एक्सटर्नल मीडिया, एक्सटर्नल डिवाइसेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बट दैट्स ओनली रिएक्टिव. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज द बिगेस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी the educational institutions and the researchers in this field can contribute is sensitizing technology people from the stage one, the education level, then getting into the research, which is applied research, moving towards our own operating systems and open source softwares, which is available to us and we can claim it sort of proprietary. Sir, ये एक आपने जो कई चीजें बताई और extremely useful. जी सर.
और कुछ इस तरह का हुआ है कि पहले हमने टेक्नोलॉजी इनकल्केशन और एजुकेशन और सेंसिटाइजेशन टेक्नोलॉजी की बात की, और लोगों ने खासतौर से डिजिटल इंडिया में डिजी लॉकर और कई चीज़ें हुई हैं, और ख़ासतौर से अब मैं उत्तराखंड के कि हम तमाम दूसरे इलाकों में भी जितने दूर दराज के हैं वहाँ हमने डिजिटल एंगेजमेंट की बात हुई है जी। अब सडनली कुछ इस तरह का हो गया कि एक चीज़ को हमने शुरू करवाया है, अब हम एक इस तरह का है कि हम उनसे अब जो एक साइबर डिजास्टर है उसकी प्रिपेयर्डनेस की भी बात कर रहे हैं। वंडरफुल, बहुत बढ़िया कि ये भी साथ में चला है और उसकी प्रिपेयर्डनेस भी रहे। बहुत अच्छी। और उसके साथ में जो मैं आपने जिसकी तरफ को इशारा किया, मैं बात भी करना चाहता था कि साइबर एटिकेट्स बेसिकली साइबर एटिकेट पे अगर हम कुछ बात करें और दुनिया में भी ये बात जाए कुछ इस तरह की करें जी सर, तो कुछ इसके बारे में, क्योंकि जिसकी तरफ आपने इशारा भी किया है कि चाहे वो पेन ड्राइव हो, चाहे वो आपके फेक सॉफ्टवेयर हैं या पायरेटेड सॉफ्टवेयर्स हैं, इसके बारे में भी कुछ बताइए। आपके साइबर एटिकेट्स बड़े महत्वपूर्ण हैं सर। आप ना मतलब आप चार कदम आगे चलते हैं, बहुत अच्छी बात है सर। और यही चीज़ हम चाहते हैं कि नॉट ओनली द कंप्यूटर कम्युनिटी, द साइबर सिक्योरिटी कम्युनिटी, द कंप्यूटर यूजर शुड बी अवेयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स। इसके लिए सीडैक की बहुत अच्छी वेबसाइट है, इन्फोसेक अवेयरनेस फॉर ऑल, उसके ऊपर प्रेजेंटेशंस हैं, उसके ऊपर एक एक चीज़ जो हम बात कर रहे थे कि भाई आपको लैन कैसे बनाना है, तो लैन में बनाना है तो आपको कैसे यूज़ करना है, क्या क्या पॉलिसीज लगानी है आपको, आप अगर स्टैंड अलोन यूज़ कर रहे हैं इंटरनेट को तो उसके ऊपर क्या क्या पॉलिसीज लगानी है, तो ये सब चीज़ें अवेलेबल हैं ओपन डोमेन में। इसको एंड यूजर तक पहुंचाना जो है वो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट की है। जो एजुकेशन जो हैं इंस्टीट्यूशन हैं इनका बहुत बड़ा रोल है। और अगली बात हम जो इसके आपने जो एटिकेट्स की जो की थी वो इससे इट्स नॉट डिफिकल्ट, इट इज़ अ हरक्यूलियन टास्क, बट हो सकता है ये आपको जगह जगह लोगों को बताना होगा। एड कैंपेन आप चला सकते हैं, जैसे हमने जागो ग्राहक जागो में लगाया तो जैसे एक अवेयरनेस आई है लोगों में कस्टमर में, इसी तरह का इन्फोसेक अवेयरनेस भी हम एड कैंपेन चला सकते हैं। मस्ट बी इम्पॉर्टेंट, क्योंकि इसके बगैर मुझे लगता है कि पूरा का पूरा जो डिजिटल कैंपेन है कहीं वो पीछे छूट जाएगा अगर साइबर एटिकेट या डिजिटल एटिकेट्स नहीं आए। बिल्कुल, आपने बहुत। और दूसरी जो मैं थ्रेट देख रहा हूँ आज की तारीख में वो है एंड्रॉइड। एंड्रॉइड आप ये समझ लीजिए विंडो जो अटैक्स रैंसमवेयर अटैक हुआ ये विंडोज एक्सपी के ऊपर हुआ है मेनली। अब विंडोज एक्सपी जो है वो अब से 5-7 साल पहले फेज आउट हो चुकी है, उसके अपडेट्स आने बंद हो गए हैं। फिर भी आप देखिएगा कि लोग विंडोज एक्सपी यूज कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, स्टडी माना जाता था, ठीक है, बड़ा रोबस्ट कहते थे कि एक्सपी बहुत अच्छा सिस्टम। इनफैक्ट अभी विंडोज 7 भी जाने वाला है, विंडोज 10 के भी बहुत सारे अपडेट्स आ चुके हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये ऑनगोइंग प्रोसेस है, इसका जो लाइफ साइकिल मैनेजमेंट जो है बहुत अपने आप में एक बहुत बड़ी एक समस्या है डिजिटल हार्डवेयर का लाइफ साइकिल मैनेजमेंट। इसी तरह से आप देखें एंड्रॉइड का आज की तारीख में 2.1 से लेकर के नोगाट तक एंड्रॉइड 7 तक सारे सिस्टम चल रहे हैं, तो एंड्रॉइड 2.1 में अपने आप में वल्नरेबिलिटीज तो हैं, आनी है। आप उसमें अपडेट ले ही नहीं पाएंगे, उसमें 512 MB रैम है, आप उसको अपडेट ही नहीं कर पाएंगे, पर लोग पुराने वाला व्हाट्सएप यूज़ करते रहेंगे। तो वो व्हाट्सएप या जो भी गूगल का जो भी ऐप है उनमें वल्नरेबिलिटीज हैं, आप माने ना माने, उस पर छोटा सा भी अटैक होगा आपका सारा डेटा निकल जाएगा। तो टिकिंग बॉम्ब है ये, आप बिल्कुल ये सही शब्द इस्तेमाल किया। और बहुत से लोगों ने पूछा कि सर जैसे हम विंडोज का सिस्टम किसी भी x86 पे इंस्टॉल कर सकते हैं, तो हम लिनक्स ये कहीं तो वर्जन है एंड्रॉइड, हम अपने मोबाइल पे क्यों नहीं डाल सकते। कोई भी सिस्टम, एक पुरानी कहावत है कि कोई भी जंजीर उतनी ही स्ट्रांग है जब से जो उसकी सबसे कमजोर कड़ी है। तो सबसे कमजोर कड़ी जैसे सैमसंग है वो एंड्रॉइड का इम्प्लीमेंटेशन अपने हिसाब से करेगा। जो ड्राइवर्स सॉफ्टवेयर के लिखेंगे, रेडियो का ड्राइवर है वो, उसमें कुछ वल्नरेबिलिटीज हो सकती हैं। तो लिनक्स हो सकता है अपने आप में बहुत स्ट्रांग हो, एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम अपने आप में स्ट्रांग हो, पर जो उसको ड्राइवर्स जो लिखे जाएंगे
वो किसने किस मूड में लिखे हैं, दे आर द वीक लिंक्स, दे आर द वीक लिंक्स, और ये रहेंगे क्योंकि आज के इस आज की तारीख में एंड्रॉइड नोबडी ओन्स, एंड्रॉइड इज ओन्ड बाय गूगल बट इम्प्लीमेंटेशन इज एज पर डिफरेंट वेंडर्स. तो अगला जो आपने एक बहुत खूबसूरत वर्ड इस्तेमाल किया, डिजिटल डिजास्टर, मैं इसको आगे आने वाले समय में देख रहा हूँ. ये आपने तो, क्योंकि आप देख भी रहे हैं, आप इम्प्लीमेंटर हैं, आप प्रैक्टिशनर हैं साइबर सिक्योरिटी के, और अगर हम डिजिटल डिजास्टर कहें, जिसको हम लोगों ने अपना ही हमारा ये फ्रेम किया है, और ये बड़ा इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है सर कि जिस पूरी दुनिया में, जहां हम कह रहे हैं IP6 में हम इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इंटरनेट ऑफ एवरीथिंग, वर्चुअली एवरीथिंग इज कनेक्टेड, बिलियंस ऑफ डिवाइसेस, IoT का मैं आपको बताऊं, हम कहां जा रहे हैं, DESU और BSES दिल्ली, दे गिव द एनर्जी मीटर्स टू IIT दिल्ली फॉर इवेल्युएशन. द एमटेक स्टूडेंट्स कुड ब्रेक, I don't remember the name of the brand, even if I remember it will not be correct on my part to disclose the brand. They are hackable. If you can crack those energy meters, it can cause so much of damage to the revenue damage to the government. And more than that, it can virtually it can create you can chaos. Actually bring down the whole grid. Yes. That's the all those students, the two very good movies you want to watch to understand the whole game about this, one is Zero Day, it's a beautiful documentary, and second is Black Hat. It's a movie which every cybersecurity enthusiast must watch. Got to. So we also got to jot down the names. Can you sir please repeat? One is, I'll share the movie with Dr. Sam. I'll give you the movie. You can show it to your students. We'll put it on our dashboard. Yes, sir. It's a movie called Zero Day. Okay. It is about developing of malware, first known cyber attack in the history of cyber security called Stuxnet. How Stuxnet, what was the motive behind designing the Stuxnet? How people designed it? The nations were involved in designing the software, yes. And how it was sent to a network which was not connected on the internet. The social engineering was used, the best practices design were used, and controlling the hardware with software, and there are so many dimensions to it. Yep. You have to watch that documentary to believe it, that how a digital disaster can turn into. That is one. Second is a movie called Black Hat. Black Hat hackers, we call Black Hat hackers, who develop a malware with the intentions of exploiting the system. Not White Hat. White Hats are this side of the fence. People like you can call them. That's your generosity. Yes. So White Hat, Black Hat. Black Hat is not considered to be, it's a criminal offense. It's a criminal hacker. It's a wonderful movie. Sir, इतनी जो आ गई policy makers. जी sir. Government. जी. Ultimately जैसा आपने कहा कि दुनिया में सब तरह के war हो गए हैं या हुए हैं, लेकिन information war जी deadliest है. और catastrophe है basically. Very much. इतने क्रिटिकल सिस्टम्स हैं, एप्लीकेशंस हैं, मिशन क्रिटिकल हैं और उससे जुड़े भी. पॉलिसी मेकर्स का रोल बड़ा इम्पोर्टेंट है क्योंकि अल्टीमेटली जिस तरह से चीज़ें चलती हैं किसी भी लेवल पे हों, बट दे हैव टू हैव दिस बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो होती है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज बहुत ही महत्वपूर्ण है, ख़ासतौर से कि किस तरह से एग्जीक्यूशन हो, IT infrastructure development और ये तमाम सारी चीज़ें हैं. लेकिन विद रिगार्ड टू दिस साइबर प्रिपेयर्डनेस अगेंस्ट ऑल वल्नरेबिलिटीज, दैट इज क्रिटिकल. इसके बाद योर टेक ऑन IT का फर्स्ट रोल डॉक्टर साहब इज टॉप ड्रिवन. यस. IT cannot be bottom driven. It has to be top driven. The policies have to be decided
made, and even at the cost of inconvenience. Let me repeat, at the cost of being misquoted, कि अगर लोगों को तकलीफ भी हो रही है still आपको ये साइबर सिक्योरिटी इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी. चाइना है, अमेरिका है, उन्होंने इसको बहुत खूबसूरती से नेशनल लेवल पे इंप्लीमेंट कर दिया. उसके अपने ड्रॉबैक्स हैं, बट देयर आर सर्टेन, यू नो, द फ्रीडम कम्स एट अ प्राइस. आजादी की कीमत होती है, थोड़ी सी इनकन्वीनियंस, पर उसमें आप एक बहुत कन्वीनियंस की जिंदगी जी सकते हैं अगर आप डिसिप्लिन. फ्रीडम विदाउट डिसिप्लिन इज ऑफ नो यूज. दैट्स माय टेक ऑन दिस. आपने बहुत खूबसूरती से, अशोक सर, आपने इतनी चीजें हमको बताई भी हैं, और इट्स अ लॉन्ग जर्नी बेसिकली. और ये जो इसका डेवलपमेंट है, ये भी कुछ इसी तरह का है कि अटैक्स भी हैं तो काउंटर अटैक्स भी हैं, और ये जर्नी लंबी है, चलती रहेगी. जैसा आपने कहा कि इट ऑल्सो प्रोवाइड्स huge opportunities to students, to learners, to researchers, to practitioners, to implementers, कि आगे को, क्योंकि जितनी सोच है, जहाँ तक सोच है, वहाँ तक अटैक्स भी होंगे और उसके बचाव भी होंगे, और बचाव करने वाले वो हमारे वाइट हेड्स हैं. तो ये बड़ी बात है, आपने हमको समय दिया सर, और स्टूडेंट्स को बताया, और हमारे से जुड़े हुए नेटवर्क से. सर, मैं आपसे जुड़ा रहूँगा, आपसे सीखता रहूँगा इसी तरह, और जो भी मैंने सीखा है, एक्सपीरियंस लिया है, मैं बच्चों को बांटता रहूँगा. थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद बुलाने के लिए. थैंक यू. जय हिंद.